हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं नवीन मावी और आज हमारे साथ है भाई चेतन जी। चेतन भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई जी, आप सुनाओ। तो भाई की गाड़ी है, भाई बताओ कैसे कैसे कहाँ से हो आप और कौन सी गाड़ी है आपके पास? भाई मैं अपना फरीदाबाद में नंगला से हूँ। हाँ, और मेरे पास स्विफ्ट एलएक्सआई मॉडल है 2020। अच्छा, स्विफ्ट है आपके पास? हाँ, 2020 मॉडल एलएक्सआई। हाँ, ये मैंने एलएक्सआई 2020 लास्ट है, नवंबर मॉडल है लास्ट। और देख लो मैंने कैसे मेंटेन की हुई है। ये देखो भाई, भाई की गाड़ी देखो पहले तो आप। ये एरिया इतना खराब है, इसको गली से निकालते ही इस पर तो सीटे मट्टी लग जाते हैं। अभी देख लो, अभी सुबह वॉशिंग करा के खड़ी करी थी और अभी बस देखो सूट के लिए आई है, उसमें इतना गंदा हो गया एरिया। तो भाई साहब फरीदाबाद का डस्ट ज़्यादा उड़ता है यहाँ पे, पानी भी खैर खराब है ना। ये है भाई की गाड़ी स्विफ्ट एलएक्सआई, कौन सा मॉडल? 2020। इसमें भाई मैंने बहुत सारी, तो भाई क्या 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 काम करा रखा है इसमें बताओ आप। इसमें मैंने लगभग सारा ही काम करा रखा है एलएक्सआई से एक्सआई कराने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैंने ग्रिल चेंज करा रखी थी। अच्छा, ग्रिल ये फरीदाबाद में मेरे को लगता नहीं है किसी के पास होगा, शायद एक या दो या पाँच सात बंदों के पास होगा, फरीदाबाद में बहुत कम है। कहाँ से कराई थी आपने? भाई ये मैंने दिल्ली कराई थी, दिल्ली से, करोलबाग से। करोलबाग से? हाँ भाई। कितने की पड़ी इसका अंदाजा कुछ? भाई ये समथिंग 4000 के आसपास पड़ी थी। 4000 के? इसमें दो क्वालिटी थी, एक हल्की थी और एक ये थी, तो मेरे को थोड़ा अच्छी चाहिए थी क्वालिटी, तो मैंने ये डलाई थी। अच्छा, ये फॉग लैंप वगैरह भी बाहर से कराए हैं? भाई मैंने कंपनी से डलाई थी, सब कंपनी का ही है, फॉग लैंप वगैरह मैंने कंपनी से डलाई हुई है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने इसमें अलॉय और टायर चेंज कराए, ये तो मैंने अभी चेंज कराए। कितने इंच है अलॉय? भाई ये 16 इंच अलॉय है। 16? हाँ जी। अच्छा, तो ये मर्सिडीज के लोगो तो आपने अलग ही लगवा रखा है? हाँ, ये लोगो मैंने अलग से लगाया है, बाकी ये वैसे दूसरी कंपनी के हैं। टायर चाइनीज है वैसे? नहीं नहीं भाई, जेके का टायर है अपना, कंपनी का टायर है जेके का। पहले तो मन कर रहा था चाइनीज डलवा लूं, लेकिन फिर क्या है कि चाइनीज में कभी दिक्कत आने लग जाए तो। हाँ, चाइनीज में दिक्कत ही आती है फिर बाद में, इसलिए भाई फिर मैं कंपनी पर गया, डेली डेली कौन करवाता फिरेगा, मैंने कंपनी से ही कराया। उसके बाद ये क्रोम। अच्छा, क्रोम भी हैंडल में और इसमें? हाँ, हैंडल क्रोम। बाहर से लगवाई होगी सारी? ये सारा बाहर का है, बाहर से लगवाई है, अच्छी क्वालिटी की है। उसके बाद फिर मैं कंपनी का ही इसमें सीट कवर वगैरह कंपनी से डलाई हुई है। अच्छा, सीट कवर वगैरह आप चेक कर लो। मीटर भी इसका मैंने चेंज कराया हुआ है। अच्छा, मीटर भी चेंज करवा रखा है? सबसे बड़ी बात इसकी मेरी मीटर, आप मीटर चेंज करो। ये है भाई मीटर, टॉप मॉडल मीटर है ये, टॉप मॉडल का है, ZXI का, ZXI प्लस का है, ZL। इसमें डोर खुलने पे दिखता भी है, देखो भाई वाह, सेल्फ। तो इसका कितना खर्चा आ गया होगा आपका मीटर का? भाई मीटर तो 10.5 या 11 के आसपास था, कवर लगा के कर, कवर अलग से होता है इसमें। अच्छा अच्छा। इसमें ऐसा नहीं है, पहले वाला भी लग जाता है लेकिन क्या उससे थोड़ा लुक नहीं आता। हाँ, लुक नहीं आती, तो इसलिए मैंने कवर भी चेंज कराया उसके साथ, पूरी फीलिंग आनी चाहिए। नहीं बिल्कुल। तो इसमें टॉप मॉडल के आपने सारे करा रखे हैं, तो ये भी चेंज कराया इसका, ये ब्लैक में आता है। अच्छा अच्छा। इसमें फिर सिल्वर वाला। अरे, पावर विंडो वगैरह भी कराई होगी? पावर विंडो भाई मैंने कंपनी से कराई थी, डबली थी तभी मैंने कंपनी से ही करा ली थी सारी, चारों विंडो में अपने पावर विंडो है। और सोनी के कोएक्सल है इसमें। अच्छा अच्छा। आप इसकी आवाज़ सुनाएंगे, आपको बाद में आवाज़ सुनाएंगे, पहले आप उसका रिव्यू देख लो, पहले सारा देख लो कुछ। तो ये देखो भाई, करके दिखा दो, मीटर वगैरह सब कुछ वर्क करता है, ये आपको दिखाएगा, आपको सब कुछ दिखाएगा इसमें। इसमें बंद करने पर ये भी दिखाएगा कितना टाइम चल गई गाड़ी, कितना टाइम चल रही है, कितना टाइम और चलेगी, डोर ओपन है इसलिए डोर ओपन दिखा रही है। भाई वाह, देखो ऑल वर्किंग है इसमें, देखो ये फ्यूल मीटर वगैरह। हाँ, इसमें ये वर्किंग नहीं है भाई, अच्छा बताना चाहूंगा, ये होता है इसमें सेंस, क्या नाम अपना, टेम्परेचर का, टेम्परेचर। इसमें भाई टेम्परेचर एलएक्सआई मॉडल में दिया ही नहीं है कंपनी ने। अच्छा, तो इस वजह से बस ये खाली शो होता है, बाकी अच्छा, शो के लिए है, ये नहीं चलता, बाकी सब काम करता है इसका, आरपीएम, स्पीड, फ्यूल, सब कुछ एग्जैक्ट, सब कुछ प्रॉपर वर्किंग है। ये देखो भाई, टॉप मॉडल का है आपका ये मीटर, डिजिटल मीटर। तो और बताओ भाई, इसमें क्या क्या करा रखा है आपने? ये इसमें कितना खर्चा आ गया होगा टोटल आपका, जो करा रखा है सारा कुछ जो है? टोटल
कितना पैसा लगा दिया आपने इसमें टोटल? पैसे तो देखो स्विफ्ट मॉडल ऐसा है, इसमें कितना भी लगा दो। स्विफ्ट की एक और क्वालिटी गाड़ी की, अगर इसमें अलॉय वगैरह तो और भी लगा लो, इसकी टेल लाइट चेंज हो जाएंगी, हेडलाइट चेंज हो जाएंगी। पर मैं इसमें क्या धीरे धीरे करा रहा हूँ, जैसे टाइम लगता है वैसे जैसे अपना बजट बनता है उस हिसाब से हम इसमें मॉडिफिकेशन कराते रहते हैं, धीरे 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 एक एक करके सारे कराते रहते हैं। तो भाई ये बताओ मुझे, ये कलर के बारे में कैसे 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 चूज किया आपने कलर? कलर इसमें जो ना स्क्रैच ज्यादा आते हैं मेरे हिसाब से। कलर जो है ये कलर है तो थोड़ा रॉयल कलर है वैसे तो, हाँ तो व्हाइट कलर होता है, हम वो रेगुलर सभी लेते हैं व्हाइट कलर, सभी व्हाइट में व्हाइट को चूज करते हैं व्हाइट। तो एक मेरा फ्रेंड है तो उसने ली थी। अच्छा अच्छा, सचिन पठाना ने, सचिन है और भाई रिंकू पठाना। हाँ बिल्कुल, हमने रखा है उसका रिव्यू गाड़ी का, कलर तो बहुत प्यारा है भाई, दूर से देखोगे लोगों की नजर जाती है व्हाइट कलर, क्या रेगुलर कलर है, सभी गाड़ियां निकलती रहती हैं तो इतना वो नहीं जाता, लोगों का अट्रैक्शन नहीं होता। आप रॉयल कलर लेके निकलोगे, एक कलर अलग होगा उसमें, फिर ऊपर से मॉडिफिकेशन तो अलग ही दिखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ है, कुछ निकल के गया, इस वजह से फिर मैंने ये कलर सेलेक्ट किया। तो भाई मारुति के बारे में बताओ, क्या है आपका मारुति? देखो हालांकि एक अच्छी कंपनी है, फिर अपने इंडिया की बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छी आम आदमी के लिए आम बजट में बढ़िया गाड़ी प्रोवाइड कराती है, अच्छी कंपनी है और अच्छी गाड़ी प्रोवाइड करा रही है कंपनी जी। तो इसमें मारुति की मेरे को सब चीज अच्छी लगती है, बस एक ही चीज कमी लगती है, इसकी जो बॉडी दी है ना भाई वो बहुत ज्यादा हल्की है। आप इसको खोल के देखो, ये तो है भाई, बहुत ज्यादा हल्का है इसका, जो लोहा दिया है ना पहले के मुकाबले, पहले बहुत अच्छा था लेकिन अभी जो दे रही है ना वो थोड़ा हल्का है, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। बस ये देखो मैं दिखाना चाहूंगा, एक देखो इधर देखो, थोड़ा पास लाओ, इतना हल्का दिया है भाई, दिख रहा होगा यहाँ पर, दिख रहा है बिल्कुल। ये भैंस ने पीछे से मार दिया था, अच्छा उसी में हल्का सा पीछे लगा, उसी में क्या है यहाँ से पिचक गई, इतना हल्का है, आप समझ सकते हो अभी कितना हल्का होगा। ठीक है, फिर ये मैंने सुपर हाइड्रेंट निकलवाया, बाद में डोर चेंज कराएंगे, अभी मैंने सुपर हाइड्रेंट निकलवा रखा है, चलो करवाएंगे बाद में, बाकी तो ठीक ही है। बस इसका थोड़ा ना वही थोड़ा हैवी बॉडी दे दे तो और मजा आना है। हाँ बस ये है कि कंपनी ने जो है ना बहुत हल्की बॉडी जो है इसकी, बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत हल्की है। गाड़ी का साउंड चेक करते हैं, भाई ने वो लगा रखा है इसमें, क्या क्या लगा रखा है इसमें? भाई मैंने इसमें आगे कंपोनेंट्स हैं इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी की रेफरेंस सीरीज के कंपोनेंट हैं और पीछे सोनी के कोएक्सल हैं। अच्छा, और सोनी का ही अपना हेड है, अच्छा हेड जो है सोनी का है और इसमें एम्प लगवा रखी है मैंने, एम्प है 4 चैनल एम्प और एक बेस ट्यूब, अपना 4 चैनल एम्प और बेस ट्यूब, बेस ट्यूब। उसका मैं आवाज का आपको टेस्ट करा देता हूँ, आवाज चेक कर लेना कैसा है, आवाज काफी प्यारा है। सही बात, इसका आउटपुट इतना तगड़ा है कि 10 से ऊपर आप सुन ही नहीं सकते। अच्छा जी, इसकी आवाज इतनी सॉलिड है कि 10 से ऊपर आप जा ही नहीं सकते, 10 से ऊपर आप 10 मिनट से ऊपर सुन लोगे आपका हेड पेन होने लग जाएगा। अच्छा जी, तो नॉर्मली मैं चलाता हूँ तो 5-7 इतने पे नॉर्मल रखता हूँ, बाकी आप आवाज सुन के देख लो, देखो अभी मैं 10 पे है अभी।